दोस्तों इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि आप अपने WhatsApp के ऊपर किसी भी फोटो को PDF में कैसे भेजें, यानी कि दोस्तों आपके पास कोई अच्छा फ़ोन है और दोस्तों आप अपने फ़ोन से कोई भी फोटो खींचा हुआ है और दोस्तों इस फोटो को अगर आप WhatsApp को डायरेक्ट भेजते हो तो उसकी क्वालिटी घट जाती है दोस्तों। ऐसे में दोस्तों इसी फोटो को आप अगर PDF में किसी भी दूसरे WhatsApp के ऊपर भेजते हो तो दोस्तों इसकी क्वालिटी नहीं घटती। तो दोस्तों ये कैसे भेजेंगे इस वीडियो के अंदर जानेंगे दोस्तों। बट दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं नोटिफिकेशन के थ्रू सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने दोनों मोबाइल की स्क्रीन यहाँ पर लगा दी, लगाने के बाद देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दोनों फोटो एक व्हाट्सअप से दूसरे व्हाट्सअप के अंदर सेंड करके बता देता हूँ। जैसे कि पहले मैं सिंपल भेजूंगा, फिर दोस्तों मैं उसी को PDF में भेजूंगा, फिर दोस्तों मैं दूसरे व्हाट्सअप के अंदर जाकर मैं आपको ओपन करके भी बताऊंगा दोस्तों दोनों में कितना फर्क आता है। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के अंदर गैलरी को ओपन कर दी। जैसे कि मैंने मेरे मोबाइल के अंदर गैलरी को ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों जैसे कि मेरा ये फोटो है तो मैं आप सबसे पहले इसको WhatsApp के ऊपर सिंपल तरीके से भेज के आपको एक बार दिखा देता हूं। जैसे कि मैंने ये ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर यहाँ से मैंने सेंड कर दिया इसके। जैसे कि देखिए दोस्तों ये फोटो ये सिंपल तरीके से अपने एक WhatsApp से दूसरे WhatsApp के अंदर जा चुका है। अब दोस्तों इसी फोटो को दोस्तों आप अगर PDF फाइल में भेजना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको किसी भी सेट को ओपन कर जिसको भी भेजना चाहते हैं उस WhatsApp को ओपन कर देना। ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे एक लिंक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा दोस्तों तो आपके हमने बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन निकल कर आएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहला वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट का, इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर जो ब्राउज़र का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों जो भी आपका फोटो है, जैसे कि मैंने वो फोटो भेजा उसी फोटो को मैं यहाँ पर एक बार ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने ये फोटो ले लिया, फोटो लेने के बाद देखिए दोस्तों इसको यहाँ पर सेंड के ऑप्शन के ऊपर सेलेक्ट करने के बाद देखिए दोस्तों ऊपर ये सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा दोस्तों तो यहाँ से सेंड कर देना। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया, सेंड करने के बाद देखिए दोस्तों मैं जाता हूँ दूसरे व्हाट्सएप के ऊपर। जैसे कि मैंने दूसरे व्हाट्सएप के ऊपर गया दोस्तों तो यहाँ पर देखिए दोस्तों व्हाट्सएप के अंदर जैसे आता है तो दोस्तों मैं यहाँ पर तो जैसे कि देखिए दोस्तों ये यहाँ एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के अंदर सेंड हो रहा, थोड़ा सा टाइम लग रहा क्योंकि दोस्तों नेट स्लो है। तो जैसे कि दोस्तों दोनों फोटो मेरे यहाँ पर आ गए, जैसे कि मैंने सिंपल भेजा था वो भी आ गया दोस्तों और दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों PDF फाइल के अंदर भी आ गया। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ऊपर वाले को एक बार आपको ओपन कर देता, जैसे कि ओपन करके बता दिया दोस्तों तो यहाँ पर देखिए दोस्तों थोड़ी क्वालिटी डल आ रही है और दोस्तों इसी को दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों जैसे कि जूम कर देते हो, जूम करने में यहाँ पर फोटो फट रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इसी को अगर मैं PDF में जैसे कि मैंने ये PDF भी भेजा है तो इसको यहाँ पर एक बार डाउनलोड करके देख देता हूँ दोस्तों। तो जैसे कि यहाँ पर ये डाउनलोड हो गया, इसको यहाँ से ओपन कर, जैसे ओपन करोगे दोस्तों ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर गैलरी के अंदर ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद देखिए दोस्तों ये फोटो देखिए, उस फोटो में और इस फोटो में कितना अंतर है दोस्तों, यानी कि दोस्तों PDF का वाला फोटो एकदम साफ आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने WhatsApp के अंदर किसी भी फोटो को PDF फाइल में भेज सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना और आने वाली हर वीडियो की जानकारी के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। और दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट और अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।